मुबारक। देखिए कैसा लग रहा है। बिल्कुल मेरे जैसा भोला भाला मासूम। अरे ये बंदर है। तुम्हारे जैसा लग रहा है। अंजलि प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी पे का आर्टिकल लिख रहा हूँ। क्या एक्टर थे साहब, पूछिए मत। मेरे आर्टिकल का शीर्षक क्या मालूम है? आनंद का सफर। अरे वाह तारक, फिर तो आप ये आर्टिकल सबसे पहले मुझे पढ़ने के लिए देना। आपको पता है ना मैं राजेश खन्ना जी की कितनी बड़ी फैन हूँ। अरे काका का इस दुनिया में कौन फैन नहीं है रे। लेकिन अभी एक कप कॉफी पिला दो पुष्पा। पुष्पा नहीं अंजलि। अरे भाई राजेश खन्ना जी पे आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, तो वैसा फील आ रहा है। अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए पोपट लाल जी। नमस्ते नमस्ते अंजलि भाभी। भाई मेहता साहब, आपने जैसे बताया था राजेश खन्ना जी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी लेकर आया हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपटलाल। आप बैठिए, मैं आपके लिए भी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया भिड़े, मेंटेनेंस का चेक टाइम पे तो भिजवा दिया था। मेंटेनेंस? मेहता साहब हमारा रिश्ता सिर्फ मेंटेनेंस तक ही सीमित है। अरे आप लोग पार्टी करने गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई भिड़े, तुझे किसने बताया? मुझे सोड़ी ने सब बता दिया है। अरे अकेले अकेले पार्टी करने गए? अरे अभी तो चुप रहे भाई, मरवाएगा अंजलि ने सुन लिया तो। अरे इसलिए तो आया हूँ, उनको बता नहीं आया हूँ। वो कहाँ है अंजलि भाभी? देखो भिड़े, देखो पार्टी में हम लोग गए और डॉक्टर हाथी और तुम नहीं चले, उसके पीछे एक रीजन है। डॉक्टर हाथी के घर पेशेंट्स थे और मैंने तुम्हें खुद फोन किया है, तुम्हारा कॉल वेटिंग पे आ रहा था फोन। अरे तो आप दोबारा फोन कर सकते थे ना। अरे दूसरी बार कैसे करते यार, कैसे बहाने करके तुम्हें घर से निकला हूं। और एक बात बताओ भेड़े, तुम पार्टी में नहीं चले तो क्या हुआ? हम लोग गए थे, हमारी कैसी बैंड बजी है देखो। है क्या बैंड बजी? नहीं है बैंड तो अभी बजने वाली है। मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? कहाँ बैठे हो पोपटलाल? थैंक यू। क्या क्या बताओगे भिड़े अंजलि को? अंजलि भाभी आपको पता है क्या, ये लोग मुझे लिए बगैर मंदिर में प्रवचन सुनने गए थे और वहां जाके पता चला प्रवचन कैंसिल है, क्योंकि प्रवचन करने वाले पापा एब्सेंट थे। हाँ, कैंसिल हो गया। कैंसिल ही हो गया। तो भिड़े साहब को कॉफी पिलाइए। भिड़े साहब? हाँ भिड़े साहब, कॉफी लीजिए। अरे देवा कॉफी? नहीं नहीं हर्बल नहीं, नॉर्मल है। अरे वाह, नॉर्मल नॉर्मल है। आपके लिए दूसरी लाती हूँ। दोस्तों तो ऐसा। हाँ लेकिन मेरी दोस्ती की कीमत एक कप कॉफी नहीं है। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है मेहता साहब। अंजलि भाभी, अरे मेहता साहब के लिए भी कॉफी जल्दी लेकर आना। ओहो, आज तो चाय नाश्ता करके 10 मिनट पहले तैयार हो गया। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? बिल्ली बिल्ली बाबूजी बिल्ली। घर में बिल्ली कहाँ से? वो पैर पे गिरा तो मुझे लगा बिल्ली है। कौन? नैपकिन। नैपकिन तुझे बिल्ली लगी? और अगर असली बिल्ली भी होती तो कोई ऐसे थोड़ी डरता है। डरता है ना? कौन? मैं? तू तो पहले से ही है बिकन ससलू। क्या कर रही है तू? सॉरी सॉरी। यो म्यो, ये क्या है सब? सॉरी। Ah!
चिट्टी बाबूजी यार चींटी थी। अचानक से बिल्ली चींटी सब कहाँ से आ गए? क्या कर रहे है? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी जरा 6 नंबर का पाना देंगे? मैं क्या मैकेनिक हूँ जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का पाना लेके घूमू और तू जब मांगे तब दे दू? नहीं नहीं वो पाना नहीं, पन्ना पन्ना। मैं क्या झवेरी हूँ? हीरा पन्ना वाली पन्ना नहीं है? अरे नहीं नहीं मतलब हीरा पन्ना वाला पन्ना नहीं, ये अखबार का पन्ना, 6 नंबर का पन्ना। क्या वो पहले पन्ने पर जो खबर छपी है ना उसकी बाकी के आधी खबर 6 नंबर के पन्ने पे छपी है इसलिए। ले एक काम कर, तू पहले पूरा पेपर पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं बाबूजी नहीं नहीं ले ले ले। नहीं नहीं आप पहले पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। क्या तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं नहीं जाना है ना, लेकिन आज का थोड़ा 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो सोचा बारिश का मौसम है एक आध कप अदरक वाली चाय पी के फिर निकलता हूँ। वाह थैंक यू बाबूजी। अरे दया वाह, अरे एक मस्त अदरक वाली चाय बनाने जरा। हाँ हाँ बाबूजी आप पियेंगे? नहीं ठीक ले, ले। ये अदरक वाली सीख, टप्पू से कुछ सीख। टप्पू से? टप्पू आज 5 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो 5 मिनट जल्दी ट्यूशन में पहुंच गया, और तू तू 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया लेकिन तुझे 10 मिनट जल्दी दुकान में नहीं जाना है, अदरक वाली चाय पीनी है। ठीक है निकलता हूँ। बैठ अभी, चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। टप्पू ट्यूशन में लेट जाता है तो भिड़े सुनाता है, जल्दी जाता है तो बापूजी सुनाते हैं, मेरे नसीब में तो सुनना ही लिखा है। अभी यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना समझे, और सिर्फ खड़ा नहीं रहना है कान पकड़ के खड़ा रहना है, कान पकड़ो। बच्चों अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ किसके साथ? किसके साथ मतलब? इंडिया के सामने कौन सी टीम? ए छोटे सुड़ी जी, मैं क्रिकेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ और हाँ एक खास बात, जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब डबल फीस? बोल ले व्यापारी। नहीं नहीं मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा। मतलब भीड़े अंकल आप फ्री में ट्यूशन सिखाओगे? नहीं पिंकू, हम लोग भीड़े अंकल का नुकसान नहीं होने देंगे। भीड़े अंकल अगर आपने फीस नहीं ली ना तो आचार पापड़ और चिवड़ा पैक करने में हम आपकी मदद करेंगे। फिर तो चिवड़ा पैक होने की जगह पे गोली के पेट में जाएगा। ये गोया मैं रेगुलर फीस ही लूंगा, और अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो किसी को कोई सवाल है तो पूछो। हाँ पाटलस माला पूछो। भीड़ अंकल आप हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ तो लाइफ में भी परिवर्तन होना चाहिए ना। मतलब
मतलब क्यों ना हम लोग इस टेस्ट में परिवर्तन करें? हम लोग पेपर बनाते हैं और आप टेस्ट दो। आवाज बंद, तू कान पकड़। ये गोया, पहले अपना वर्तन सुधारो, बाद में परिवर्तन के बारे में बोलना। किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं सर, भिड़े। भिड़े सर। ओ सॉरी सॉरी, भिड़े सर एक सवाल पूछो। ढंग का सवाल है तो ही पूछना। सर गोगी की नजर में ढंग का ही होगा। सर ज्यादा समझदार कौन होते हैं, बच्चे या बड़े? बच्चे। ये कैसा सवाल है सर, आप जवाब दीजिए ना। बड़े समझदार होते हैं। तो बड़े दूध क्यों नहीं पीते हैं? हैं? मतलब दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे ही समझदारी से दूध पीते हैं, बड़े क्यों नहीं पीते हैं? पॉइंट है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो बेटा, बड़े भी दूध पीते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हैं। हाँ, अभी किसी और को कोई सवाल पूछना है तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछने वाला हूँ। सुंदर मामा, ए सुंदर मामा, ये सुंदर मामा आ गए। ए क्या सर, वो सुंदर मामा है। तुम्हें कैसे पता सुंदर मामा आए हैं? अरे सर, ये जो स्पेशल हॉर्न है वो सुंदर मामा की टैक्सी का हॉर्न है। सर मैं प्लीज मामा को मिल के आऊं। प्लीज सर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट आ जाऊंगा सर, प्लीज 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 सर प्लीज। ठीक है जाना, लेकिन जल्दी वापस आना। कम ऑन फ्रेंड्स। क्या? चलो फ्रेंड्स, मतलब वो तुम्हारे मामा है ना? सर हमारे भी तो मामा है। हमारे भी मामा है। प्लीज प्लीज सर, हमें भी जाने दो ना। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है लेकिन जल्दी वापस आना। सर अब भी चलिए ना, मजा आएगा। हाँ चलो। का जेवण है तिकडे? आप भी चलो, मेरे मामा नहीं है वो। तुम लोग जाओ, जल्दी वापस आना। जल्दी। दया मैं निकल रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्यों चाय पीने रुका? 10 मिनट जल्दी तैयार हो जाने के बावजूद भी दुकान जल्दी क्यों नहीं गया? हेलो माय डियर जीजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ रह गए? कम केटी, आओ अंदर आओ। आओ केटी, आओ आओ केटी। बेना ये है केटी। कट्टी, ये कैसे नाम है? कट्टी नहीं बेना, केटी। मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, उसका नाम है सुपरस्टार मेकर प्राइवेट लिमिटेड। उसकी ये मैनेजर है केटी। हेलो हेलो, नमस्ते। अरे भाई सुंदर तो कितनी कंपनियां खोलता है भाई, अभी वो तो ना बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी ना। चल रही है ना, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। देखो जीजा जी, मैं कंपनी खोलता हूँ, फिर टीम बनाता हूँ, और फिर टीम को कंपनी चलाने के लिए छोड़ देता हूँ। देखो जीजा जी, मुझे कुएं का मेंढक बनकर रहना पसंद नहीं है, मुझे प्रगति पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहता। वाव ग्रेट सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बॉस हो। थैंक यू। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ आप भी नटू काका को ये दुकान का पूरा काम सौंप दीजिए और एक नई दुकान शुरू कीजिए और प्रगति कीजिए। शांति रखिए जरा आप। और भाई आप मुझे बता सकते हैं आपकी नई कंपनी क्या करेगी? मेरी कंपनी नए लड़की लड़कियों को जिनको सुपरस्टार बनना है उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाएगी, अरे उनकी करियर बना देगी, अरे उनकी जिंदगी बना देगी। हीरो, मैं तो कहती हूँ तुम्हें टप्पू को भी हीरो बनाना है। अरे बेना माय डियर, टप्पू को बड़ा तो होने दो, अरे उसके लिए मैं खुद अपने पैसे लगा के फिल्म बनाऊंगा। अरे मेरे पास तो फाइनेंसर भी रेडी। थैंक यू हीरा, थैंक यू हीरो बनेगा टप्पू। अरे हाँ बेना, माय डियर भांजा टप्पू है का? माय डियर भांजा, वाह टप्पू।
मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? थैली? नहीं किटी, गिव मी प्लीज। ये ले टपोड़ा, ये फॉरेन की चॉकलेट। चॉकलेट? थैंक यू मामा। जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे खाओ खाओ। गोले, शांति शांति बेटा, शांति मिलेगा, सबको मिलेगा, सब लो, लो ले ले लो ले लो, ये लो, ये लीजिए बाबूजी, आप भी लीजिए, बहुत मजेदार है, लो बेटा तुम भी खाओ। थैंक यू हीरा। जीजा जी आप भी खाइए। अरे खाइए जीजा जी, ये तो शुगर फ्री है। अरे मुझे कहाँ डायबिटीज है। नहीं आपने मना किया तो मुझे लगा। मामा बहुत यम्मी चॉकलेट थी। बहुत मस्त चॉकलेट है। सुंदर मामा आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ओए हाँ, बहुत अच्छी चॉकलेट है। मेरा मुंह में रखते ही पिघल गई। तो निकल गई होगी। नहीं नहीं पिघल गई वो। मामा हम लोग ट्यूशन क्लास आधा छोड़कर आए, हम लोग जाते हैं। ओके बाय बाय बाय। भिड़े भाई को भी मेरी याद देना। बाय। चले बापूजी मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट जीजा जी। सॉरी सुंदर, आज मैं वो टैक्सी का भाड़ा नहीं दे पाऊंगा, आज मेरा व्रत है। कैसा व्रत? अरे वो क्या हुआ, बीच में एक महात्मा मिल गए, तो मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, सामने से वो बताने लगे, मुझे पूछने लगे आपका कोई साला है? मैंने बोला हाँ है। तो बोलने लगे आप उनका कभी पैसों की मदद मत करना। क्यों? हाँ मैंने भी पूछा क्यों, तो कहने लगा कि देखिए आप जितने पैसों की उनको मदद करेंगे उससे 5 गुना पैसों का नुकसान उनको होगा। अभी तू ही बता, सुंदर का नुकसान हो ऐसा कभी मैं सोच सकता हूँ? वाह महात्मा। मतलब कि वाह, क्या महात्मा जी है, बहुत ज्ञानी महात्मा जी लगते हैं। जीजा जी मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे जरा बताएंगे कि वो ज्ञानी महात्मा जी कहाँ बैठते हैं? उनकी क्या कोई ऐसा फिक्स बैठक नहीं है, वो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। मैंने भी उनसे उनका नाम नंबर पूछा तो मुझसे कहने लगे बेटा साधु तो चलता भला, कुछ है नहीं उनका कुछ कॉन्टेक्ट कुछ। अच्छा। कुछ भी कर बेटा, आज मैं तुझे टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी, टैक्सी का भाड़ा आपसे लेने की जो परंपरा है वो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? टैक्सी का भाड़ा तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। चले बाबूजी निकलता हूँ। ओ सुंदर भाई, अरे ये बॉक्स तो आप टैक्सी में भूल गए थे। हे भगवान, इतना बड़ा बॉक्स, मैं संत महात्मा तो नहीं लेकिन इतनी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूँ कि ये बॉक्स मेरे लिए जरूर मुसीबत का बॉक्स होगा। ओ सुंदर भाई, अरे ये बॉक्स तो आप टैक्सी में भूल गए थे। अरे हाँ ये तो कैम पाल्टे। नमस्ते बहना। हाँ मजे में हुआ। नमस्ते बापूजी। नमस्ते बहना, तुम्हें पता है ना अपनी विंचिनी पोल में जो कमला मासी है उनकी बेटी बबली जो उन्होंने लंदन में ब्याही है। हाँ हाँ ये उसके लिए उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है। बेना कमला मासी ने अपने हाथों से अपनी बबली के लिए रजाई तैयार की है। तुम्हें तो पता है बेना कि लंदन में गर्मी में भी बहुत ठंडी लगती है, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ये रजाई बना के पैक करके मुझे दिया है। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ये कुरियर कर देना। जो इच्छा। पर बेना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कुरियर कर पाऊँ। इसके ऊपर पता लिखा है बेना, प्लीज जरा तुम कुरियर कर दोगे? हाँ हाँ वीरा मैं दे दूंगी, अब ये मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू बेना, और कुरियर का जो भी बिल होगा वो मैं माय डियर जीजा जी को दे दूंगा। अरे हाँ बेना, ये घर में बनी हुई ड्राई क्लीन रेशम की रजाई है, ध्यान रखना भीग ना जाए, थोड़ी सी भी भीग गई तो खराब हो जाएगी। ये 20,000 की रजाई है,
खामखा मुझे कमला मौसी को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे ये कुरियर का होगा कितना अंदाज से? ज्यादा नहीं, 10,000 होगा। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये ही पड़े, वरना मैं ही कुरियर कर देता। 10,000 में कटने से तो अच्छा है 5,000 का चूना लगे। सुंदर 5,000 मैं तुझे दे देता हूँ। एक काम करना, तू ही ये भेज देना कुरियर से। हा? अच्छा रहेगा। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। लाओ देख बका, ये ले 5,000 रुपये। मैंने तुझे पहले 10,000 रुपये दिए थे, अब तेरे पास हो गए 15,000 रुपये। एक काम करना, ये 5,000 तू टैक्सी वाले को दे देना और 10,000 में से ये कुरियर कर देना। देखा आयोजन बद्ध काओ। क्या सुंदर भाई, अभी भूल लकड़ हो। 10,000 का तो प्लेन का टिकट लेके आया मैं। अरे रे, एक काम करना, ये 5,000 रुपये तू टैक्सी वाले को दे देना। और बेना प्लीज, आई एम सॉरी, तुम एक काम करना, ये जो कुरियर है ना वो तुम ही पार्सल कर देना, मैं बाद में जीजा जी को उसके पैसे दे दूंगा। हाँ अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। अरे वीरा, अभी आए हो, दो चार दिन रुक जाओ ना। अरे नहीं नहीं बेना, अभी जाकर मुझे 3-4 प्रोड्यूसर से मिलना है, उनकी स्टोरी के हिसाब से मुझे कास्टिंग करना है, वो सब निपटा के मुझे अभी चेन्नई भी जाना है। नहीं नहीं बेना, मेरे पास अभी टाइम बहुत ही कम है बेना, वरना मैं जरूर रुक जाता। अच्छा बेना चलो तो मैं निकलता हूँ। बाय बेना, बाय जीजा जी। बाबू जी रजा लो, बाय। चलो चलो जल्दी, अरे बाय, बहुत काम है, चलो बाय बेना। टप्पू को याद देना, चलो बाय 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 बेना। 500,000 की चॉकलेट पकड़ा के 10,000 का चूना लगा गया। अरे 10,000 नहीं 15,000, टैक्सी का 5,000 भी रोकड़ा लेके गया ना। मुझे तो पूरा यकीन है कमला मौसी से कुरियर के 10,000 भी उसने ले लिए होंगे। चले बाबूजी, मैं भी निकलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे रुक, ये पार्सल लेके जा। बाबूजी मैं कुरियर कर दूंगी। अरे बहू तू कहाँ जाएगी, ये जेठिया दुकान जा ही रहा है ना, तो जाते जाते रास्ते में कुरियर कर देगा। लेकिन बाबूजी तुझे नहीं जाना, ठीक है मैं जाता हूँ। नहीं नहीं मैं करवा देता हूँ। करवा देता हूँ, इतना बड़ा बॉक्स उठा के मैं कहाँ जाऊँ दुकान तक। मैं काम करता हूँ, मैं भागा को बुला लेता हूँ, वो कुरियर कर देगा। इतना सा बॉक्स तू नहीं उठा सकता, इतने से बॉक्स के लिए भागा को बुलाएगा? छोड़, मैं ही उठा लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए उठा लिया बस। अरे मैंने उठा तो लिया बापूजी, अभी और क्या। ये बाबू चल, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ रूम में जा रहे। दयाल यार, सुंदर भी एक नंबर का होशियार आदमी है। तो? क्या तो, वो भली भती जानता था कि आखिर कुरियर तो मुझे ही करने जाना पड़ेगा, फिर भी मुझसे नहीं कहा, तुझसे कहा बेना जरा कुरियर कर देना। तो अच्छा है ना, वीरा के लिए खुशी की बात है कि बहना की जिम्मेदारी जीजा जी ने उठा लिया। और देखिए ससुराल में बहना को जीजा जी खुश रखे, इससे बढ़कर खुशी की बात एक वीरा के लिए और क्या हो सकती है। इसी बात पे एक और चॉकलेट खाइए। अरे मैंने तो अभी खाई, तू खा। चल। अभी एक ही चॉकलेट बची है, आप लीजिए ना। एक काम करते हैं, हम दोनों आधी आधी खाते हैं। अरे मैं तो खा ही रही हूँ ना, आप खाइए ना प्लेट। मस्त है ना चॉकलेट, सुंदर लग क्या है, फिर भी चॉकलेट है मस्त। क्या? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए बबीता जी। क्या बात है बबीता जी, आज सुबह सुबह आपने हमारा घर पावन किया। जेठा जी एक टैबलेट लेना है। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तबीयत तो ठीक है। तो फिर ये टैबलेट? अच्छा नहीं नहीं, वो दवाई की गोली नहीं, टैबलेट मीन्स वो बड़ा सा मोबाइल फोन आता है ना, टच स्क्रीन, लैपटॉप से छोटा। बबीता जी मिल जाएगा, एक दो दिन रुक जाइए, मेरा एक दोस्त है दीपक भाई, वो ये टैबलेट और लैपटॉप का डीलर है। ओके बारिश का मौसम है ना, तो दो दिन लोनावाला खंडा वाला घूमने गया है।
उसको आ जाने दीजिए, मैं आपको एकदम सस्ते भाव में टेबलेट दिला दूंगा। ओके थैंक यू। अरे चोकोमो का चॉकलेट। हाँ सुंदर वीडियो देखकर गया। वाह ग्रेट देवा यू नो व्हाट, ये मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट है। एक्चुअली सामने से मांगना तो नहीं चाहिए, देवा भी एक ले सकती हो। सॉरी बबीता जी, चॉकलेट खत्म हो गई है। बैड लक, इट्स ओके। नहीं नहीं नो ओके। ओके कैसे बबीता जी, पहली बार आपने हमारे घर आकर सामने से खाने के लिए कुछ मांगा और हम आपको नहीं दे सकते, बहुत गलत हुआ। इट्स ओके जिठा जी, कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है बबीता जी, बात है। अरे हमारा गड़ा परिवार की परंपरा रही है, आज तक हमारे घर से कोई भी मेहमान निराश होकर नहीं गया है, आज पहली बार। बबीता जी इसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं सुंदर वीरा को कहके आपके लिए चॉकलेट का एक पूरा बॉक्स मंगवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे कहाँ से मंगवा लेती हूँ, सुंदर वीरा तो गया है चेन्नई। कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज आपकी फेवरेट चको मको चॉकलेट का बॉक्स किसी भी हालत में आपको ला के दूंगा। अरे नहीं 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 बबीता जी, ना बोलना ही मत। अरे लेकिन प्लीज प्लीज आपको चॉकलेट लेनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ ना, मैं हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, आपको चॉकलेट लेनी ही पड़ेगी, मैं आपको बॉक्स ला के दूंगा बस। ओफो आप दोनों भी ना, चलो ओके फाइन, थैंक यू सो मच, तो मैं चलूं बस। ओके बाय बाय सिया। ओके बबीता जी। बहुत बुरा हुआ दया, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ बबीता जी को चॉकलेट खानी थी और हम उनको चॉकलेट नहीं दे पाए। लेकिन आज आप चॉकलेट लेकर आएंगे ना? हाँ हाँ, अरे किसी भी हालत में लेके आऊंगा चको मको चॉकलेट। एक काम करता हूँ, सैंपल के तौर पे बॉक्स लेके जाता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलो मैं चलो। टप्पू के पापा आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा और कुछ? हाँ हाँ और भी कुछ भूल रहे हैं। ये हुई ना कुछ बात। कहाँ गई है नटखट? रेडी? मैं तो रेडी हूँ, तू रेडी है? ओके तो 1 2 3 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्या मुसीबत है, यह सुंदर भी एक प्रकार का बादल ही है। बादल पानी बरसाता है, सुंदर मेरे ऊपर मुसीबतें बरसाता है। कौन कमला मौसी, कौन उनकी बेटी बबली, कभी नाम भी नहीं सुना और उनकी वजह से आज मुझे 10,000 का चुना लगने वाला है। ओहो भाई फोन की घंटी बज रही है। हाँ भाई अब्दुल जरा मदद करना प्लीज। अरे हेलो हेलो सेठ जी, अचानक आपकी आवाज को क्या हो गया? अरे नटू काका, सेठ जी नहीं अब्दुल बोल रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई मदद कर, मतलब है जरा छाता पकड़ने में मदद कर भाई, फोन पे मैं बात करता हूँ। नहीं छाता पकड़।
सेठ जी आपने अब्दुल को सेक्रेटरी रख लिया? हाँ। कब से? अरे भाई पंचायत बंद कीजिए और बोलिए फोन क्यों किया है। सेठ जी आज बारिश बहुत है। हाँ तो आप दुकान आ रहे हैं या छुट्टी करके घर पे रहने वाले हैं? एक काम करता नटू काका, हम लोग यहाँ बारिश के 4 महीना दुकान बंद ही रखते हैं, तो 4 महीने आपका पगार भी बंद, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है, 4 महीने दुकान थोड़े बंद रखी जाती है। हाँ वही, 4 महीना क्या, 4 घंटे भी दुकान बंद नहीं रख सकते। मैं दुकान अभी आ रहा हूँ, और कोई ढंग की बात है कि मैं फोन रखूं? रख दीजिए सेठ जी। बागा, सेठ जी इज कमिंग। ये नटू काका भी ना सुबह सुबह जब जल्दी होता भी ये टाइम पास करते हैं। जीटा भाई, और किसी का फोन आने वाला है? कैसे पता चलेगा भाई? नहीं नहीं क्या है ना, जल्दी है, आपके दुकान में तो नटू काका है, मेरे दुकान में तो कोई भी नहीं है ना। समझ गया भाई, थैंक यू। ला 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 छाता ला, चल मैं चलता हूँ। अरे ठीक से पकड़ा भाई, सब ये गीला हो जाएगा। ए भगवान मेरी मदद करना, कुछ भी हो जाए बॉक्स को भीगने मत देना, क्योंकि अगर ये बॉक्स भीग गया, अंदर की रजाई बिगड़ गई, तो दया तो मुझे ताना मरेगी मरेगी और सुंदर मेरी जान खा जाएगा। ए माय डियर जीजाजी, ये क्या कर दिया आपने? अरे 20,000 की रजाई बिगाड़ दी, निकालिए 25,000। बागा, सेठ जी ने कब से कहा है मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं, क्या हुआ होगा? नटू काका, मुझे लगता है बारिश की वजह से सेठ जी का छाता कौवा बन गया होगा और सेठ जी भीग गए होंगे। और मुझे लगता है सेठ जी भीग के कांप रहे होंगे और वापस घर चले गए होंगे। देखा नटू काका, मैं ना कहता था। हे बागा, वंस अगेन यू हिट बुल्स थाई। थाई नहीं नट्टू काका, आई। व्हाटएवर। अरे सेठ जी, आपके पास छाता होते हुए भी इतना भीग कैसे गए? सुंदर की वजह से। व्हाट नॉनसेंस सेठ जी, सुंदर भाई तो अहमदाबाद में है, उनकी वजह से आप यहाँ मुंबई में कैसे भीग सकते हैं? अरे भाई, सुंदर का एक पार्सल कुरियर से लंदन भेजना था, तो पार्सल को भीगने से बचाने के चक्कर में मैं भीग गया। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपको, आज के जमाने में इंसान इंसान के लिए नहीं सोचता, और आपने खुद भीग कर एक निर्जीव चीज को भीगने से बचा लिया। सेठ जी आज आप इतने दयालु बने हैं, तो इसी मूड में मुझ पर भी एक दया कर दीजिए, मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका, मेहरबानी करके आज पगार बढ़ाने की बात तो करना ही मत। क्यों? आज बहुत नुकसान हो गया है। कैसे? कैसे क्या, ये पार्सल का 9,700 देना पड़ा और सुंदर का 5,000 टैक्सी भाड़ा देना पड़ा। आई एम सॉरी सेठ जी, माई कॉन्डोलेंस। मैं अपने पगार बढ़ाने की अर्जी फिलहाल वापस ले लेता हूँ, बस। थैंक यू, चलो बस वापस घर जा रहे हैं। अगर सेठ जी घर नहीं जा रहे हैं, गोडाउन में जा रहे हैं कपड़े बदलने। भूल गया, सेठ जी एक जोड़ी कपड़े हमेशा गोडाउन में रखते ही हैं, इमरजेंसी आ गई तो, राइट? हाँ। देखा बागा, दिस टाइम आई हिट बुल्स थाई। थाई नहीं नटू काका, आई। ए भाई बस अभी। बागा ये ले। अरे वाह चॉकलेट, थैंक यू, लेकिन आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, सेठ जी जब इतने प्यार से लाए हैं तो मना नहीं करते। ले ले, टेक इट एंड ईट इट। नट्टू काका, यहाँ आप बुजुर्ग हैं, इसलिए पहले आप लीजिए। ओके ओके बेटा। सेठ जी, व्हाट टाइप ऑफ जोक इज दिस, ये तो खाली है। पता है बागा, ऐसा ही सेम टू सेम चॉकलेट का बॉक्स मार्केट में से ले क्या? नहीं नहीं सेठ जी, इट्स ओके, नहीं चाहिए। अरे भाई तेरे लिए नहीं मंगा रहा हूँ। तो किसके लिए? किसी को देना है। किसे? अरे तुझे क्या इतनी पंचायत है, किसके लिए किसे देना है, इतना सवाल तो मेरी दया भी मुझसे नहीं पूछते। छोड़ना बागा, होगा कुछ सीक्रेट। अरे कोई सीक्रेट नहीं है, घर के लिए चाहिए बस। हैप्पी?
मैं आता हूँ कपड़ा बदल के। जी नटू काका, एक मिनट पकड़िए, एक मिनट। ये क्या? पूरा बॉक्स उठाकर कहाँ घूमू नटू काका, इसलिए फोटो ले लिया। अरे वाह पागल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ऑलवेज। पर हाँ, बारिश का मौसम है, छाता लेना भूलना नहीं। नटू काका, सिर्फ छाते से कुछ नहीं होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। वाह बागा वाह। नटू काका, मैं तैयार हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई पति जे, फतेह करो। थैंक यू नटू काका। ऐसे क्या देखते हो? सेठ जी को बता देता हूँ। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही इसे गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचा देता हूँ, यही ठीक रहेगा। सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। खाना बाद में खा लेना, अभी थोड़ी देर खेल तो सही। हाँ। अरे नहीं यार, मैं और खेलूंगा तो मुझे मेरी भूख और बढ़ेगी। अच्छा चल ठीक है, हम लोग खेलते नहीं है, हम लोग टाइम पास करते। हाँ ठीक है चलेगा। तुम एक सवाल पूछो। अरे यार, सब लोग रेडी हो? पूछ भाई। हाँ। क्रिकेट में जीतने के लिए एक बॉल में 15 रन चाहिए और बॉलर ने वाइड और नो बॉल डाला ही नहीं है, तो बैट्समैन टीम कैसे जीतेगी? व्हाइट बॉल भी नहीं, नो बॉल भी नहीं, तो एक बॉल पे 15 रन कैसे बन सकता है? नहीं भाई, नहीं बन सकता। पास पास पास। हाँ पास भाई पास। आंसर बोल, आंसर बोल। पास। ओए मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। मैं और एक सवाल पूछूं दूसरा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं उससे जा फुटबॉल खेलते हैं, मैं भाग लूंगा। हाँ, हाँ। देखा पहले ही बोला था। टप्पू सेठ जी, बागा भाई, come on, come on, friends, come on. Hi, बागा भाई। Hi, टप्पू सेठ जी, ये लीजिए। सेठ जी ने घर के लिए ये चॉकलेट का डिब्बा भेजा है। वाह, आज तो मेरा दिन ही लकी है यार। और एक बार मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगी। Yes. Thank you, बागा भाई। Thank you, मुझे नहीं, सेठ जी से कहना। ये चॉकलेट का डिब्बा उन्होंने भेजा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सेठ जी मेरी राह देख रहे होंगे। बाय टप्पू सेठ जी। ओके बागा भाई, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय बाय। ए टप्पू जल्दी खोलना यार। अरे रुक रुक, अरे रुक रुक। अरे वो देखो देखो देख क्या। ए टप्पू, अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो बाजू की दुकान वाले वर्मा जी का पेमेंट आ गया? ना जी। अरे क्या ना जी क्या, वसूल करो, 2 महीना हो गया एलसीडी लेकर गए उसको। कैसे वसूल करूं सेठ जी, वर्मा जी दुकान में जलेबी फाफड़ा लेकर आए थे, तब तो आपने बोल दिया था खुश होकर कि पेमेंट 3 महीने बाद देंगे तो भी चलेगा। ये वर्मा जी ने जलेबी फाफड़ा खिला के फंसा दिया। वाह क्या टेस्ट है, क्या चॉकलेट है। वाह। हाँ दुल भाई, बहुत बढ़िया चॉकलेट है। सच्ची यार, इतनी टेस्टी चॉकलेट है कि इसके 5 डिब्बे मैं रोज खा सकता हूँ। तेरे पापा को बोलना एक एक डिब्बा रोज भिजवाए। ठीक है ठीक है, बोल दूंगा। सेठ जी मैं आ गया। बागा आ गया तू? वाह वाह बागा वाह। बागा
अरे मैं इतनी देर कैसे लगी? अरे नट्टू काका, ये चोको मोको चॉकलेट्स कहीं नहीं मिल रही थी। 2 घंटे तक मॉल और मार्केट में घूमा, तब जाकर एक दुकान से मिली। हाश, मिल गई ना। एक मिनट, अब्दुल का फोन। बोल बोल अब्दुल। अब्दुल भाई नहीं पापा, टप्पू यार। हाँ बोल टप्पू। पापा थैंक यू फॉर द चॉकलेट। आज चॉकलेट खाके तो मजा आ गया। आज पूरा दिन चॉकलेटी डे हो गया है। अरे बेटा थैंक यू बोलना है तो अपने मामा सुंदर मामा को बोल, चॉकलेट वो लाया था। नहीं नहीं पापा, वो चॉकलेट्स नहीं। अरे आपकी चॉकलेट जो आपने बाघा भाई के साथ भिजवाई थी। बाघा ने चॉकलेट टप्पू को दी? हाँ। ओके पापा, बाय बाय, लव यू। बाय। अरे तूने चॉकलेट टप्पू को दे दी? हाँ। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं। बेवकूफ। नहीं सेठ जी, बेवकूफ नहीं। हाँ सेठ जी, बाघा को बेवकूफ मत बोलिए वरना रूठ जाएगा जी। अरे भाई तूने चॉकलेट टप्पू को क्यों दी? सेठ जी आप ही ने तो कहा था चॉकलेट घर के लिए है, और वैसे भी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास में ही था, तो मैंने अपना दिमाग लड़ाकर सोचा कहाँ मैं चॉकलेट का डिब्बा उठाकर दुकान ले आता, फिर कहाँ आप वो डिब्बा उठाकर दुकान से घर ले जाते। उससे अच्छा मैं ही गोकुलधाम सोसाइटी जाकर छोटे सेठ जी को चॉकलेट का डिब्बा दे देता हूँ। सो मैंने दे दिया। वाह, एकदम समझदारी का काम किया है बागा। नहीं सेठ जी, नहीं। क्यों? ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। अरे क्या नहीं देनी थी सेठ जी, चॉकलेट तो बच्चों के लिए ही होती है ना। होती है, लेकिन ये चॉकलेट टप्पू के लिए नहीं थी। ये चॉकलेट मुझे किसी को गिफ्ट देनी थी। किसे? अरे आपको क्या इतनी पंचायत है? सेठ मैं हूँ कि आप? जब देखो तब आप मेरा सेठ हो, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं मुझसे। सॉरी सेठ जी। बागा, अभी कभी ऐसा दूसरा सेम टू सेम चॉकलेट का बॉक्स लेके आ जा, और इस बार जैसे दुकान में मिलता है वैसा ही पेटी पैक बॉक्स मेरे हाथ में देना। सॉरी सेठ जी। सॉरी? थक गए बेटा? नहीं नट्टू काका, थकने के मामले में मैं और पृथ्वी एक जैसे ही हैं। मतलब? पृथ्वी कभी अपनी धरा पर घूमते घूमते थकती है? नेवर। वैसे ही बाघा अपना काम करते हुए कभी नहीं थकता। तो फिर सॉरी क्यों? सेठ जी ये चोको मोको चॉकलेट 2 मॉल और पूरी मार्केट घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली। उसके पास ये आखिरी डिब्बा बचा था, वो मैं ले आया। तो बाघा बेटा कोई दूसरी कंपनी के चॉकलेट लेकर आ। नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, नहीं नट्टू काका, मुझे चोको मोको चॉकलेट ही चाहिए। सेठ जी जिसे चॉकलेट देनी है उसे आज ही देनी है, 2 दिन बाद नहीं दे सकते? नहीं दे सकते नट्टू काका, जिनको देनी है उनसे मैं आज ही चॉकलेट देने का वादा कर बैठा हूँ। और आपको तो पता है, एक बार मैंने वादा कर दिया तो कर दिया, खलास। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाघा तू कहीं से भी चॉकलेट लेके आ, फॉरेन की चॉकलेट है तो फॉरेन की चॉकलेट कंपनी में फोन कर और पता लगा यहाँ कहाँ कहाँ मिलती है चॉकलेट। मुझे किसी भी कीमत पर चको मको चॉकलेट ही चाहिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बस सेठ जी, आपकी इज्जत बाघा की इज्जत। शाबाश, बाघा जरूर जाएगा। कहाँ? फॉरेन? नहीं फॉरेन नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक मार्केट है। इस दुकानदार ने कहा उस मार्केट में उसके साले की दुकान है, वहाँ पे आपको चॉकलेट का डिब्बा मिल जाएगा। अरे वाह, जा जा तो जल्दी जा, जल्दी जा। बागा फटाफट बस पकड़ के जा और चॉकलेट लेकर जल्दी आ जा। बस में? सेठ जी बारिश का सीजन है ना, तो बस में गर्दी बहुत होगी। नट्टू काका एक बार आप शांति रखिए। भाई तो रिक्शा टैक्सी हवाई जहाज जिसमें जाना है जा, लेकिन चॉकलेट का बॉक्स लिए बगैर वापस मत आना। अब ये बाघा चॉकलेट लेकर ही आएगा। हाँ।
सेठ जी, अब तो भले शाम हो जाए या दो दिन लगे या एक हफ्ता लग जाए, ये बाघा आपकी चॉकलेट लेकर ही आएगा। अलविदा। बाघा अभी तक क्यों नहीं आया? बोलो, फोन भी बंद आ रहा है। सेठ जी, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, बढ़ा दूं? अरे एक मिनट, वो बाघा अभी तक नहीं आया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ सेठ जी, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है उसे चॉकलेट मिली नहीं होगी। अरे सुब सुब बोलिए नटू काका। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक बाघा मिशन आधा छोड़ के नहीं आएगा। अरे भाई, चॉकलेट मिल गई है, उसका फोन आया था। तो फिर कहाँ है बाघा? यहाँ है बाघा। ये क्या, तू खाली हाथ आया? शिफ, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा भतीजा मिशन में फेल हो गया। नटू काका, मिशन फेल नहीं, सफेल हुआ है। मतलब? मतलब मिशन सफल हो गया है। सेठ जी, मैं चॉकलेट ले आया। अरे तो कहाँ है चॉकलेट? एक मिनट। नटू काका, ये रेनकोट जरा। यस ऑफ कोर्स माय बॉय। ये लीजिए सेठ जी, चॉकलेट। थैंक यू। चको मको चॉकलेट। थैंक यू बागा, थैंक यू। शाबाश बागा बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। आया तभी ऐसा क्यों बोला, खाली हाथ आया हूँ? सेठ जी, तो उसमें मैंने गलत क्या बोला? जब मैं दुकान में आया तब मेरे दोनों हाथ खाली ही तो थे। नटखट हो गया है। अच्छा ये बता, इतना टाइम क्यों लगा? सेठ जी, बड़ी मार्केट में पूरे 2 घंटे घूमने के बाद मुझे चॉकलेट मिली, और आते वक्त रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे बस में आना पड़ा। इतना ट्रैफिक था सेठ जी, 1.5 घंटे के सफर का मुझे पूरा 4 घंटा लगा। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। और रास्ते में बस से उतरकर आपको फोन भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ बागा, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा था? नटू काका, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। बागा बागा, आज तेरे सारे गलती माफ। नटू काका, आज बागा को मेरी तरफ से पार्टी दो। उसको जहाँ खाना हो, जिस होटल में खाना हो, खाना खिलाना, बिल दुकान के हिसाब में डाल देना। सेठ जी, बागा के साथ मैं भी खाऊं या फिर? अरे कैसी बात कर रहे हैं नटू काका, आप दोनों पार्टी मनाओ।
खाओ खेलो कूदो जो करना है करो। बबीता जी दिल थाम के बैठी है। आई कमिंग गोकुलधाम सोसाइटी आपकी फेवरेट चको मको चॉकलेट के साथ। डालन तुम बबीता जी हैं क्या काम है? उनके लिए मैं चको मको चॉकलेट का बॉक्स लेके आया हूँ। ओके थैंक यू। अय्यर भाई अरे है अय्यर भाई अय्यर भाई जीठा जी आप क्या हुआ? बबीता जी मैं आपके लिए चक्को मक्को चॉकलेट का बॉक्स लेके आया। अय्यर भाई ने मेरा हाथ से ऐसे झपट मार के थैली ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। उफ़ ये अय्यर भी ना कभी कभी बहुत नॉटी हो जाता है। अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़े, अंदर आइए ना। थैंक यू। आइए आइए। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई ये क्या किया आपने? अरे ये चको मको चॉकलेट बबीता जी के लिए मैं लाया था, आप सब खा गए बबीता जी। अय्यर अरे बबीता जी सब कहाँ गया, अभी एक बाकी है। अय्यर भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सपना था, लेकिन ये सपना हकीकत में भी बदल सकता है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चॉकलेट का डिब्बा बबीता जी के हाथ में ही दूंगा। बबीता जी का गुड न्यूज तो दे दो। हाय जीठा जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग जीठा जी। आप जो बोलो वो आप बोलो, गुड नाइट तो गुड नाइट बस। कहिए जीठा जी। एक गुड न्यूज देना है। क्या? आज रात को आप लंच मत करना। यू मीन डिनर राइट? क्यों? क्योंकि आपके मनपसंद चॉकलेट चको मको। चको मको? हाँ वही, वो चॉकलेट का डिब्बा मैंने मंगा लिया है आपके लिए, तो आज आप लंच में सिर्फ चॉकलेट खाना। वाओ, स्पेशल चको मको चॉकलेट लंच फ्रॉम जेठालाल। वाओ, थैंक यू सो मच जीठा जी। पर आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे बबीता जी इसमें तकलीफ किया, अरे इसमें तो मजा आता है। अभी देखिए बेस्ट फ्रेंड को अगर चॉकलेट पसंद है तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट लेकर आए। देखिए बबीता जी मैं एक कच्ची माड़ू जेठालाल चंपकलाल गड्ढा सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूल सकता। बबीता जी मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आप घड़ी में देख लेना, ठीक 30 मिनट बाद मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा आपकी मनपसंद चॉकलेट चको मको के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच जीठा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चको मको चल। खाई के चको मको चो अरे कौन इधर टेप का काम करता है गेट पे? अंकल हेल्प करो एक मिनट। हाँ बेटा पकड़ना। थैंक यू बेटा। गोली एक मिनट लेना था।
हुआ अंकल? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या कुछ नहीं? तो फिर आप चिल्लाए क्यों? मैं किधर चिल्लाया बेटा? पता हो, छींक आ रही थी ना तो मैंने ऐसा नहीं छींक, ऐसा छींक खाई। नहीं अंकल, अपने नहीं छी करके छींक नहीं खाई, अपने नहीं करके छीना। बोलो ना क्या है अंदर? कुछ नहीं बेटा। हाँ क्या जेटा अंकल, छोटे बच्चे को उल्लू बनाते हो? बोलो ना क्या है अंदर? कुछ नहीं है बेटा। ये देखो ए, कुछ नहीं है इसमें, खाली है, एकदम खाली है, कुछ नहीं अंदर, कोई आवाज भी नहीं आ रहा है। देखो ये तो कागज का आवाज है, कागज का। वो क्या सरकार ने भी ना बोला ना प्लास्टिक का थैली नहीं वापरने का, तो दया आंटी ने कागज की थैली मंगाई तो लेके आया खाली थैली। ओके अंकल। ओके 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 अंकल। ओके तो निकलो बेटा। ओ अच्छा। अरे रुक रुक रुक। अरे मैं रुका हुआ हूँ, कब भाग रहा हूँ? थैली दे थैली दे। अरे अंकल देख भी दो ना। अरे बेटा कुछ नहीं है अंदर। प्लीज अंकल देखने दो ना। क्या है ना, मैं जब तक देख नहीं लूंगा ना अंदर क्या है, तब तक मुझे अनइजी फील होता रहेगा। तो बेटा बोला ना मैंने अंदर कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देख मत देख मत कुछ नहीं। बेटा कुछ नहीं है तो ये क्या है? चोको मोको चॉकलेट। मुझे पता था मेरी काम की कोई चीज इस बैग में है। गोली तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई, चॉकलेट का बॉक्स दे दे प्लीज भाई। अच्छा चॉकलेट का बॉक्स ही चाहिए, तो मैं चॉकलेट खा जाता हूँ, बाद में बॉक्स दे दूंगा ना आपको। चॉकलेट मुझे दे दे गोली, चॉकलेट मुझे दे दे। जेठा अंकल ना तो आप गप्पर हो ना ही मैं ठाकुर हूँ जिसके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए सॉरी बाय। गोली गोली गोली। अरे गोली गोली चला गोली। अरे भाई बाजू हटा ना। गोली 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 गोली। रुक रुक है गोली है। पकड़ अंकल पकड़ अंकल। जाओ 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 गोली गोली। अरे अरे क्या 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 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गोली गोली चॉकलेट दे दे मेरे। वेरी बैड जेठालाल वेरी बैड। एक छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट का डिब्बा छीन रहे। अरे भाई वो चॉकलेट का डिब्बा मेरा ही है। अरे चॉकलेट तुम्हारी है तो क्या हुआ भाई, बच्चे को खाने देनी चाहिए। ए दोठा तू हमेशा पूरी बात जाने बिना बीच बीच में डबका मुकता ना, इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही है। जेठालाल इस पूरी बात में मेरी शादी बीच में कहां से? कैंसल कैंसल जेठालाल, आज से तुम्हें कभी भी किसी भी मुद्दे पर समझाना कैंसल। ठीक है थैंक यू। चलो बाजू हटो। गोली कहाँ गया? गोली गोली। पापा गोली। पापा खोलो पार्टी टाइम। क्या हुआ गोली बेटा? गोली आती भाई, गोली को बोलो मेरे हाथ से चॉकलेट का डब्बा छीन के भाग रहा है। गोली इट्स वेरी बैड, किसी के हाथ से कोई चीज ऐसे नहीं छीनते हैं। तो अगर तुमने जेठा अंकल से चॉकलेट मांगी होती तो मना थोड़े ही करते। क्यों जेठा भाई आप मना करते? हाँ देखा देखिए बात चला ठीक है थैंक यू मतलब तुम वहाँ मुझे अभी ठीक है थैंक यू बोलकर दौड़ के यहाँ आ गए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? अरे भाई तुम कहाँ बीच में अपनी पिपुड़ी बजा रहे हो, जरा शांति रखो। अरे हाथी भाई क्या जेठा भाई कुछ काम था? अरे भाई गोली को बोलो चॉकलेट का बॉक्स मुझे वापस दे। गोली बेटा दे दो।
पापा दे दो मैं तो नहीं दे पाऊंगा आप ही दे दो अरे लेकिन पापा मैं एक बात बता दूं ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है मैंने आज ही बहुत सारी खाई है अच्छा हाँ गोली बेटा तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया सॉरी जेठा भाई शेर के मुंह से शिकार वापस आ सकता है लेकिन हाथी फैमिली के हाथ में आई हुई चॉकलेट वापस नहीं जा सकती पापा आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू वेरी गुड हाथी भाई जेठालाल ये सब मुझे ठीक है थैंक यू बोलने का नतीजा है तुम्हारी चॉकलेट अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी अरे भाई पोपट लाल काम करो उधर कोने में जाकर उड़ो भाई मेरे सर पे मत उड़ो अरे हाथी भाई देखिए बात की गहराई को समझो ये जो चॉकलेट का बॉक्स है ना मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ किसे अरे भाई तुम उड़ते उड़ते फिर इधर आ गए बोला ना उधर उड़ो अरे भाई मैं तब से यही उड़ रहा हूँ मेरा मतलब है यही खड़ा हूँ तो शांति से खड़े रहो भाई चुपचाप मैं बीच में मत बोलो अरे हाथी भाई हाँ जेठा भाई देखिए आपको ये चॉकलेट खानी है तो मैं कल आपको ऐसा सेम टू सेम बॉक्स ला के दूंगा लेकिन आज इस बॉक्स को बख्श दीजिए ठीक है लेकिन पापा एक कल तो चॉकलेट खाएंगे पर अभी जो चॉकलेट खाने का मन हुआ है उसका क्या बेटा मैं अभी तुम्हें चॉकलेट की जगह कुछ और गरम गरम गुलाब जामुन खिलाऊं तो खा लो बेटा लेकिन अंकल मीठा खाने का मजा तभी आता है जब भी कुछ तीखा खाया हो तो पहले कुछ तीखा हो जाए तो पाव पाव भाजी मंगा दो चलेगा हाथी भाई आप भी खाएंगे ना नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्या नहीं पापा खाओ ना मुझे कंपनी दो ना ठीक है खा लूंगा थोड़ा ये हुई ना कुछ बात हेलो होटल शिव नदी कौन बोल रहा है शेखर भाई जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से वो अपने डॉक्टर साहब है ना डॉक्टर हाथी उनके घर पे एक 10 पाव भाजी अरे अंकल 10 नहीं 5 अभी खाना खाया है ना चाहिए तो 2-3 प्लेट पाव एक्स्ट्रा बोल दीजिए तो सॉरी 10 नहीं 5 पाव भाजी और 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव एक्स्ट्रा चीज और पाव भाजी में जरा चीज ज्यादा डालना तीखा तीखा और थोड़ा तीखा बनाना पाव भाजी ठीक है अरे अंकल एक मिनट चालू रखना गुलाब जामुन खाने के लिए तो पाव भाजी मंगाई है गुलाब जामुन तो मंगा सॉरी सुनिए अपने इधर गुलाब जामुन होगा अरे वाह आज तो गर्मा गर्म 5 प्लेट गुलाब जामुन का भी साथ में भेज देना हाँ तो देखिए 5 पाव भाजी 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव ज्यादा चीज तीखा और 5 प्लेट गुलाब जामुन और एक मिनट तुम कुछ पेरू मिर्ची कुछ खाओगे अरे भाई मैं खाना खाकर आया हूँ पर मेरा सिर्फ नाम पोपटलाल है मैं असली पोपट थोड़ी हूँ मैं खाली पूछ रहा हूँ भाई कुछ खाना है क्या हाँ शेखर भाई आप तो जरा अर्जेंट भेज दीजिए और सुनिए बिल मत लेना हाथी भाई से बिल मैं कल आके दे दूंगा ठीक है अरे नहीं नहीं मैं दे दूंगा चेटा भाई अरे भाई आप मजा करो ना यार आज मेरी तरफ से पार्टी थैंक यू लाइए क्या अरे वो चॉकलेट का बॉक्स तो दीजिए थैंक यू भगवान मिल गया वापस बेटा ओ थैली थैंक यू पर अंकल कल वो चोकोमो का चॉकलेट मत भूलना अरे लेके आऊंगा लेके आऊंगा ओके आदिल गुड नाइट गुड नाइट ओके बेटा भाई जेठालाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा ना कि कभी भी किसी भी बात पे तुम्हें नहीं समझाऊंगा इस बात को सीरियसली मत ले हाँ ठीक है क्योंकि क्या है कि भाई तुम जब जब गलती करोगे तब तब मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ही हाँ वादा है वादा उसमें क्या है कि कई बार हमें ना अपनी गलती का एहसास खुद नहीं होता है बराबर जब कोई दूसरा हमें समझाता है ना तब हमें एहसास होता है समझ गया भाई समझ गया भाई जेठालाल तुम कहीं बाहर जा रहे हो नहीं नहीं मैं घर पे जा रहा हूँ अपने कहाँ से क्या मतलब भाई घर तो तुम्हारा पीछे छूट गया वो देखो सॉरी तुम्हारे साथ बातों बातों में राह भटक गया थोड़ा आगे निकल आया ओके ओके तो फिर मिलते हैं ओके ओके गुड नाइट ओके गुड नाइट चलो निकलो अभी
यार भाई दरवाजा ना खोले तो अच्छा है, वरना बबीता जी के पहले वही सब चॉकलेट खा जाएंगे। यार भाई आप? हाँ, ये मेरा घर है। तुम गलत विंग में आ गए, तुम्हारा घर बी विंग में है। बबीता जी है? क्यों, क्या काम? अय्यर भाई हमारे में मेहमान घर पे आए ना तो उनको पहले बिठाते हैं, चाय पानी का पूछते हैं, अब तो सवाल पे सवाल पूछ रहे। जेड़ा लाल हमारे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम सोसाइटी मेंबर हो, मेहमान थोड़ी हो। एकदम बराबर बोला, मैं मेहमान नहीं हूँ। और जो मेहमान नहीं होता है वो क्या होता है? क्या होता है? घर का सदस्य। जेड़ा लाल तुमको क्या काम है वो बोलो। बबीता जी घर पे है? हाँ, लेकिन काम क्या है? बबीता जी, बबीता जी। अरे जेठा जी, आइए आइए। सॉरी बबीता जी, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन ये अय्यर भाई की वजह से। मेरी वजह से? मैं टाइम पे आ गया था, लेकिन 5 मिनट से अय्यर भाई सवाल पे सवाल ही पूछ रहे, अंदर ही नहीं आने दे रहे। क्या अय्यर? आइए आप अंदर आइए। अय्यर भाई, अरे बबीता जी ये लीजिए आपकी मन पसंद चॉकलेट चको मको। थैंक यू सो मच जेठा जी। यू नो अय्यर, आज मैं सुबह इनके घर में टैबलेट के लिए बात करने गई थी, तो वहाँ पे चोको मोको रखी थी, और जैसे इनको ये पता चला कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बस वो गिफ्ट लेके आ गए। अरे तो बबीता, मेरे को बोलना चाहिए था, मैं लेकर आ जाता। जेठा लाल को तकलीफ क्यों दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो अपने आप लेके आए। जेठा लाल इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बबीता। हाँ इन्हीं में सब खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। मैं आपके लिए लीची जूस लेके आती हूँ, ओके? अरे नहीं नहीं चाहिए बबीता जी। नहीं पीना है? नहीं कोई बात नहीं, बबीता रहने दो, नहीं चाहिए। लगता है सुना नहीं, पी लेता हूँ। बैठिए ना, आप क्यों खड़े, बैठिए। और आज दुकान गए थे क्या? नहीं जेठा लाल, मैं जहाँ पर काम पर जाता हूँ ना, उसका दुकान नहीं, रिसर्च सेंटर बोलते हैं। सॉरी। तो वही काम पर गए थे कि छुट्टी मारी? गया था। ये आप लोग में कैसा होता है, मतलब अगर आप छुट्टी करते हो तो सेठ लोग पकड़ पकड़ काट लेते हैं कि क्या, कैसा होता है? जेठा लाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, किसी छोटे होटल का वेटर नहीं हूँ कि एक दिन काम पर नहीं गया तो सेठ लोग पगार काट लेंगे। तुमको साइंटिस्ट का मतलब समझता है, साइंटिस्ट? अरे बबीता जी बहुत तकलीफ ले रहे हैं आप। अरे अय्यर भाई के लिए नहीं ले? नहीं मैंने अभी पिया। अच्छा पी के बैठे। हाँ हाँ, सुगंध तो बहुत बढ़िया है बबीता जी। जबरदस्त आइटम है ये। हाँ वाह, मजा आ गया। चलो मैं निकलूं। ओके। बात जाना ही है। नहीं नहीं, आप बोलता तो बैठते और बातें करते, उसमें क्या। ओके गुड नाइट। ओके बबीता जी चलो। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर द चॉकलेट्स। अरे थैंक यू मत बोलिए बबीता जी, पर मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा जूस के लिए, बढ़िया जूस पिलाया आपने ऐसा है। अरे क्या जेठा जी, आप भी चलो। और हाँ बबीता जी, वो चॉकलेट खा के फिर बताना कैसी लगी। पक्का। ओके चलो अय्यर भाई। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ भाई, आज जीवन की चिंता मत कर, मैं ठीक सुबह 7:30 बजे गांधी चौक पहुंच जाऊंगा। हाँ भाई, हाँ अवे अंग्रेज, गुड नाइट। चल रखता हूँ। हाँ बहू,
जी बापू जी। हाँ, वो हाँ? कल मैं हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे बापू जी आपको अच्छा है, आपका यंग ओल्ड ग्रुप की वजह से आपको सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। ये जेठिया नहीं आया अभी तक? नहीं बापू जी, आज जरा देर हो गई। आ गया बापू जी। अच्छा सुन, कल सुबह 7 बजे हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। अरे वाह, हो गया बापू जी, दर्शन करके आई। हाँ, और जेठिया मुझे एक 10,000 रुपए देना। हाँ हाँ। वो जीवन कह रहा था कि रास्ते में एक अनाथ आश्रम है, उसकी छत पुरानी हो गई है तो बच्चों पे पानी गिरता है, तो हम सब लोग मिलके वो छत की रिपेयरिंग का खर्चा देने वाले। तो 10,000 क्यों बापू जी, 15,000 दे दीजिए। दया, घर में कितने पड़े? 4-5 हजार है। मेरे जेब में भी अभी 2-3 हजार है। मैं काम करता हूँ बापू जी, मैं ATM से निकाल के लेके आता हूँ। अरे रुक, अभी रात को कहाँ जा रहा है? अभी 5 मिनट में आ जाऊंगा बापू जी। अरे भाई, अभी जाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, कल सुबह 7 बजे मेरे साथ आना और ATM से पैसे निकाल के मुझे दे देना। बापू जी सुबह सुबह मजा आएगा, अच्छा आइडिया है। बराबर, मैं सुबह आपके साथ आ जाता हूँ और फिर ATM से पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। और भाई सुबह जल्दी उठना है तो अभी जल्दी सो जाना। हाँ हाँ, मैं अभी खाना खा के बस सीधा सो ही जाता हूँ। ठीक। आज दुकान में बहुत काम था। नहीं क्यों? तो फिर दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे हाँ, वो बबीता जी के घर पे गया था, चको मको चॉकलेट का बॉक्स देने। अरे हाँ, जल्दी खाना परोस, बहुत जोरदार भूख लगी है। दया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना परोसती हूँ। मेरे हिसाब से तो यही प्लान ठीक रहेगा बबीता, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी अय्यर सोच लो, किसी ने देख लिया तो? रात के 10:30 बज रहे हैं और बारिश का मौसम है, सब लोग अपने घर पर होंगे। इनफैक्ट अब्दुल भी दुकान बंद करके चला गया होगा। या यू आर राइट, कोई टेंशन नहीं होगा। और कचरा वाली बाई भी सुबह जल्दी आती है तो वो टेंशन भी नहीं है। ओके, तो परफेक्ट, डन। यस डन, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर देगा। हाँ, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि वातावरण में एकदम ठंडक ठंडक हो जाती है। अय्यर भाई कहाँ जा रहे? क्या करूं, बबीता जी को फोन करके पूछूं चॉकलेट कैसी लगी? नहीं नहीं, सो गए होंगे तो सुबह ही पूछता हूं। अरे टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूं, आप बबीता जी को फोन करके पूछे तो सही उन्होंने चॉकलेट खाई कि नहीं और कैसी लगी। अरे दया, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं अभी सोच ही रहा था कि बबीता जी को फोन करूं कि क्या करूं, फिर सोचा रात हो गई, कल सुबह करता हूं। नहीं नहीं, फोन कीजिए, वो जाग रहे होंगे, है ना? हाँ बस। तो हाय जीठा जी, कैसी लगी चको मको? हाँ, चॉकलेट चॉकलेट कैसी लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना चॉकलेट? जी जी, ऐसी है, खा के मजा आ जाता है। सुना दया क्या कह रही है बबीता जी? हाँ हाँ। बबीता जी मैं काम करता हूँ, मैं कल आपके लिए एक और चको मको का बॉक्स लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं बबीता जी, आपको अच्छी लगती है ना चको मको, तो खाओ ऐश करो। जीठा जी, अगर मैं इतनी चॉकलेट खाऊंगी तो मैं हाथी भाई जैसे हो जाऊंगी। अरे क्या बोल रहे हो बबीता जी, शुभ शुभ बोलिए। ठीक है, मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन जब भी आपको चक्का मक्का खाने का मन हो आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अच्छी लगी उनको चक्का मक्का। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी किसी को गिफ्ट दो ना, सिर्फ देने के लिए मत दो, उसको पसंद आए ऐसे गिफ्ट दो। और मेरे बापू जी भी हमेशा कहते हैं कि बेटा
जब भी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को जल्दी सो जाने का, ज्यादा बातें नहीं करने की। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी ये लीजिए, इसमें थेपला और छुंदा है। चल भाई चाय पी ली कि नहीं? बस हो गया बापूजी। चलिए चलो बो चलता हूँ। जी टप्पू से कहना कि कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। जी बापूजी हम सबकी तरफ से भी दर्शन करना। हाँ बापूजी आपने छाता लिया? हाँ ये रहा। हाँ चलिए चल चल। अरे वो आपने छाता लिया? अरे हाँ नहीं नहीं दे दे। हाँ मैं नीचे उतरता हूँ। हाँ मैं गीजर चालू कर दूँ? क्यों? आप आएंगे तब तक नहाने के लिए पानी गर्म हो जाएगा ना। किसको नहाना है? मुझे वापस आके सोना है। तू ना बापूजी। हाँ एक मिनट इधर आए। हैं एक मिनट इधर आए। क्या हुआ? ये इसमें 15,000 अनाथ आश्रम के लिए है। हाँ। और ये 5,000 आपके लिए। हाँ। 5 में हो जाएगा कि और दूं? अरे ये भी ज्यादा है। चल चलता हूँ। हाँ। संभल के जाना बाबूजी। हाँ और तू भी संभल के जाना। मैं तो घर ही जा रहा हूँ। अरे पता है मुझे, लेकिन आज जल्दी उठा है ना, तो रास्ते में चलते चलते कहीं सो मत जाना, क्योंकि इस वक्त रास्ते में कुत्ते भी सोए होते हैं। जैसे कुत्ते पे तेरा पैर वैर पड़ गया तो उपाधि हो जाएगी। नहीं नहीं बापूजी मैं ऐसे झकते झकते ही जाऊंगा। चल चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो भाई। ओके बापूजी। हा 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 बरसात के मौसम में सुबह सुबह क्या माहौल बन जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। ये खुशबू बदबू में क्यों बदल गई? ओह अच्छा कचरे की बदबू है। थैली कहीं देखी हुई लग रही है। सेम टू सेम वही थैली है जिसमें मैंने चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स रख के दिया था बबीता जी को। चोको मोको चॉकलेट बबीता जी की फेवरेट। थैली में से कौन झांक रहा है? चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स तो नहीं? अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? अय्यर भाई के जीव को भी शांति नहीं है। कल रात को अय्यर भाई भी ऐसी थैली लेके कहीं जा रहे थे। चॉकलेट का वही बॉक्स, वही थैली, वही बॉक्स, पेटी पैक कचरे में। चॉकलेट चॉकलेट कैसी लगी बबीता जी? नाइस वेरी नाइस बहुत अच्छी लगी। Nice, very nice.
बबीता जी, आपने मुझसे झूठ बोला। चॉकलेट नहीं खाई फिर भी बोला खाई, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया बबीता जी? क्या करूं? बबीता जी को जाकर सीधा पूछूं, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं बबीता जी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बताऊं? मेहता साहब, व्हाट अ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, आज सुबह ही सुबह। मेहता साहब, अभी अब्दुल के दुकान के पास आ जाइए। अब्दुल की दुकान के पास? अरे भाई, इतनी सुबह मुझे सोडा नहीं पीना है जेठालाल। सोडा पीने नहीं बुला रहा हूँ, जल्दी आइए। अरे जेठालाल, अभी तो मैं उठा ही हूँ और मैंने चाय भी नहीं पी है। आपका दोस्त यहाँ मुसीबत में और आपको चाय की पड़ी है? अरे क्या हो गया जेठालाल, बोलो तो सही। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, अब्दुल की बंद दुकान के बाहर बैठ के गप्पे मार रहे, थोड़ी बुला रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ जल्दी। अंजलि, मैं एक वॉक लेके आता हूँ। जेठा भाई, सलाम वालेकुम। अरे ये क्या, छाता होते हुए भी आप भीग गए? मौसम का मजा ले रहे हो? कोई टेंशन? तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई।
अपना काम करना तू। दुकान खोलू? खोलना भाई। जेठा भाई अगर आप साइड हो जाएंगे तो मैं दुकान खोल पाऊंगा ना? क्या हो जेठा? मैं तो सर आगे चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। जेठा भाई बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भाई तो काम करना अपना। हाँ आइए। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो बताओ तो सही। अरे यहाँ से तो चलिए। अरे जेठालाल बताओ तो सही कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बता रहा हूँ शांति रखो। टैक्सी। अरे टैक्सी क्यों? हॉस्पिटल जाना, कोई बीमार है? हाँ। कौन? मेरा दिल। कोई ब्लॉकेज है जेठालाल? कौन है? मतलब हृदय की धमनियों के भीतर रक्त की आवाजाही में कोई रुकावट है? अरे आप टैक्सी में बैठा ना भाई, आ जाओ आइए। चलो भाई। कहाँ चलना है साहब? जहाँ दिल को ठंडक मिले ऐसी जगह ले चल भाई। आइस फैक्ट्री ले जाओ। ए दोड़ा, गाड़ी चालू कर और सीधा ले, बताता हूँ कहाँ जाना है। अरे भाई क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कोई और दूसरा गाना नहीं है? हाँ है। ठीक। तुमने क्या तुम्हारी टैक्सी में बैठने वालों को रुलाने का कोई व्रत ले रखा है? ओ भाई अपने फरमाइशी दर्द भरे नगमे बंद करो ना भाई। हाँ, एक मिनट साहब। आप बंद करो। हाँ। जेठालाल क्या हुआ, क्या है आखिर? मता साहब जान जल रही है, दिल दुखी हो गया है, दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो गई है। ओहो गालिब भाई गड़ा, सीधे सीधे समझाएंगे क्या आखिर हुआ क्या? कल बबीता जी के लिए मैं चको मको चॉकलेट का डिब्बा लेके आया। क्या? आई मीन क्यों अचानक? अरे भाई वो सुंदर कल चको मको का डिब्बा घर पे लेके आया था टप्पू और टप्पू सेना के लिए, तो बच्चों ने चॉकलेट खाई, मैंने खाई, देवे ने खाई, बापू जी ने खाई, सबने खाई। उसके बाद बबीता जी आए तो उन्होंने वो डिब्बा देखा, बोले अरे चको मको चॉकलेट तो मेरी एकदम फेवरेट है, क्या मुझे एक मिल सकती है खाने के लिए? अभी तब तक चॉकलेट खत्म हो चुकी थी। मैंने कितनी मगजमारी करके कितनी जगह पे वो चॉकलेट ढूंढवा के कितने लोगों से बचा के वो चको मको का डिब्बा उनके घर पे पहुंचाया। अरे तो जेठालाल ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वही डिब्बा मैंने अभी कचरे में पड़ा हुआ पाया। जेठालाल जो डिब्बा तुमने कचरे में देखा जरूरी है कि वही डिब्बा था जो तुमने दिया? अरे कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं मता साहब, वही थैली जिस थैली में मैंने वो चको मको का डिब्बा रख के दिया था, थैली भी वही और उसके अंदर चको मको चॉकलेट का डिब्बा भी वही, पेटी पैक। अच्छा तो और पता है कल रात को मैंने उनको फोन करके पूछा था, बबीता जी आपको चॉकलेट कैसी लगी? तो पता है उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब बताओ जब उन्होंने चॉकलेट खाई ही नहीं तो अच्छी कैसे लगी? मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उनको नहीं पसंद थी तो किसी और को दे देती, कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें जेठालाल के बबीता जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों करेंगे ऐसा, क्यों फेंकेंगे कचरे में? हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारी तरफ से भी अभी उनसे रिश्ता कट।